हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और आज है तीज, और तीज पे सारी का लगा रही है मेहंदी, और ये यहाँ पे रोला मचा रहे। क्यों रोला मचा रहे हो? क्यों रोला मचा रहे हो? क्यों रोला मचा रही? 15 अगस्त ने खा लिया, आज खा लिया। मैंने नहीं खाया। इतनी ना आओ। यश ने बोला, तुम्हें बोला नहीं कुछ? मन कर कसम खा, मम्मी कसम खा, भाई सब बाबा जी ने खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। नहीं खाया तो था, पर चलो इसने बोल लिया। वाह दोस्त, सही दोस्ती निभा रहा है। दोस्ती मैंने सही दोस्ती निभा रहा है भाई। किसने किया फिर? है, मैं ऑर्डर कर रहा था, तुमने क्या बोला? मैं ऑर्डर कर देता हूँ, ला मोबाइल। फिर कौन से होटल से क्या करना है एक्स्ट्रा, ये डर। तुमने कहा मेरा मन है तो मुझे खाना, मन था मेरा। हाँ है ना, तुमने मंगवा दिया। नहीं, इसने ये वारे दोस्त, क्या दोस्ती निभा रहा है दोस्त? हम कड़ी खाए, हम भिंडी खाए, हम दाल खाए, हम कड़ी खाए, और तुम मंचूरियन खाओ, पनीर टिक्का खाओ। तुम हमें का खावा नहीं, इसका तो लेवा। मैंने कितनी बार बोला तुम्हें? सारे बाबू लोग अकेले ही है घर पे, तो ले चलते हैं। क्या बोला कि नहीं मैंने? क्या सारिका भाभी लोग है घर पे, तो उनको बोला था कि नहीं मैंने? इसलिए पता क्या बोला मैं? नहीं, मेरी गलती, मेरी गलती है, मेरी गलती, मेरी गलती। सही सही मेरी गलती है, गलती सारी होती है ना, सारी गलती मेरी है ना, होती है पर मानता नहीं है। अच्छा, मानने का कभी नहीं। मेरी गलती है फ्रेंड्स, मेरी गलती है, मैं पैदा हुआ धरती पे, यही मेरी गलती है। नहीं नहीं, पर कोई बात तो गलती नहीं थी, वो तो बड़ी मुश्किल से मान गया था। अच्छा चलो, देखते हैं, मेहंदी लगा रही हूं मैं। वहीं के बारे में सोचते हो, ठीक है? अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा। अगर तुम यहाँ होते तो सबके लिए मंगाते। अच्छा अच्छा, वहाँ थे तो तुम दोनों थे, इसलिए तुम दोनों दो, 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 क्या तुम दोनों के लिए मंगा लिया, ठीक है? अच्छा, इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ, ऐसा नहीं देख रहे? हाँ। भाई मैं तो सही बोला था पहले, पहले इनको याद किया मैंने, फिर हमारा सोचा मैंने। वीडियो में दिखा रहा है तेरी बेइज्जती होगी। कोई बात नहीं, जो क्या कह रहा है मेरे तो, मेरे कारण तू भी पनीर खा ले रोज। इतना पनीर इसके सामने उरे धरू, एक रोटी और एक रोटी इसकी बनाऊ, दो रोटी बनावा माँ बेटा। अब बोले मेरे कारण तू पनीर खा ले, सारा तो खा जा। आ, वो दिन रात को ना पनीर खा गए थे सब, सब्जी तो मैं तो इतना एक रोटी खाती इसके दौरे बैठ कर। मेरी गलती, मेरी गलती दोस्तों, मेरी गलती। ये मुझे नाम ढूंढवा रही थी, ये सामने तो लिखा हुआ है नाम, पढ़ लिया अपना नाम है तो इतना अलग लिखा हुआ है, मेहंदी के बीच में गोते हैं, पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसे दिखाती तुमको, पूरा नाम भी नहीं लिखते, अलग अलग एक मेहंदी में कदे एक उरा एक उरा, इतना बड़ा नाम है इसका, कुंवर जीत कहाँ कहाँ लिखवाती, के साथ लिखवा लेती, के साथ लिखवा लेती, एक उरा एक उरा बीच बीच में मेहंदी के, जब इतना बड़ा नाम लिखा। शरीर भैया को मैंने कहीं देखा है? देखा है, मैं वो कहीं सब्जी की रेडी लगा देते क्या? द्वारका बोर्ड में सब्जी की रेडी लगाते थे क्या? हाँ, पाइनएप्पल की रेडी लगाते थे, रेडी लगाते, पाइनएप्पल की। और आप? मैं वहीं पे बैठ के दिए बेचती थी। दिए नहीं देखे थे? दिए बेचती थी, मैंने आपको पहली बार देखा था पाइनएप्पल बेचते हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कितना मेहनती लड़का है, सुबह से लेके शाम तक पाइनएप्पल बेचता रहता है। अब मम्मी की मेहंदी लग रही है, पापा का नाम लिखना जरा। अच्छा और क्या? हाँ, पापा को फोटो खींच के भेज देंगे, और पापा का नाम रखना गोलू प्रताप। स्वीटी प्रताप, इंजोरिया ने सर मारी से स्वीटी, गंदा इंसान। स्वीटी स्वीटी लिख दो, पापा को फोटो खींच के भेज देना, पापा डार्लिंग लिख लो, चलो पापा ढूंढेंगे कहाँ है मेरा नाम। हाँ डार्लिंग बेबी, स्वीट अभी लिख दो, स्वीट अभी, स्वीट अभी प्रताप, ठीक है? पापा देख के शर्मा जाएंगे, वो तो कहता है, कहेंगे अब तो सही है सारा बेचारा, मन और पड़ा, कहेंगे ना बेटे बेचारा है ना बहू बेचारा है, बेचारा हो गए दोनों। स्वीट अभी तो लिखवा रहे हैं, स्वीट अभी नहीं लिख सकता मैं, हस्बैंड को स्वीट अभी नहीं बोलते। कल हस्बैंड बना था वो बेचारा, जिस दिन शादी हुई आपकी बढ़ लिया, वो उस दिन भी खेता मैं थ्रेसर पे बैठा था,
पूछ लिए शादी वाले दिन खेता में बैठे थे। हाँ खरे सर पकी उकाट जाते पूछ लिए। तो मम्मी की मेहंदी लग चुकी है, ये वो क्यों नहीं लगवाया इसमें टिप्स पे? वो अभी काम कराएंगे ना, मशीन लाग रही है। अच्छा। अभी लगावांगे। क्या दिखा रही थी तुम? क्या दिखा रही थी तुम? हाँ मेरे गणेश जी दिखा दो, कल लेके आई मैं कल वो भी नहीं दिखा पाई। मैं गई थी पीतांबरी लेने तो कान्हा जी के कपड़े भी मेरे को पसंद आए, मैं ले आई। फिर वहाँ पे उस दुकान में गणेश जी रखे हुए थे, तो देखते ही नजर मेरे को ऐसा लगा ये कह रहे थे कि मुझे ले चलो अपने घर, मुझे ले चलो अपने घर। तो ले आती तो मैं इनको लेके आ गई, तो ऐसा लग रहा है हमारे घर में एक बच्चा आ गया है। ये काफी नहीं है, ये बड़ा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा है। चला जाऊंगा, गणेश जी तो यहाँ पे ही रहेंगे ना। अच्छा ऐसा है। बताओ कमेंट में गाइस कैसी लग रही है ये वाली? ज्यादा अच्छी लग रही होगी ये वाली, ज्यादा अच्छी लग रही। राइट हैंड ये लेफ्ट है, ये तो मुझे ये दो तो, ये दो तो ठीक है पर इसका क्या करें? नाम क्या बोला? मैंने सोचा था कि वो मेहंदी लगा थी, लोग अक्सर ना इनमें कहीं लिखवाते हैं जैसे बीच में कहीं के ऐसे वो जैसे तुम्हारे अल्फाबेट्स, तो मैंने सोचा पूरा नाम लिखवाती हूँ, ऐसी जगह लिखवाती हूँ जो पता तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे, तो ऐसे साइड में। अब मुझे नहीं पता था तुम्हारी चोर की निगाहें हैं, मैं ऐसे करके बैठी थी और तुमने चोर की निगाह। शातिर। मम्मी मम्मी की मेहंदी देखो, दिखाओ। दिखा दी, तू भी दिखा दे मेहंदी। लगवा सकते हो मेहंदी? बुलवाऊं? हम क्यों लगाए, लड़के भी लगाते हैं, मैंने भी लगाई थी। तुमने शादी में लगाई थी ना? लेकिन तू शादी में लगवाएगा अपनी? वो जो जो अभी मेहंदी लगाने आई थी उसमें से गोलू मोलू सी लड़की थी, वो यश को बार बार देख के शर्मा रही थी। तुम जाओ यार, कुछ किसी को भी देख के, मेट्रो में भी दिखा, ये तुमको देख के शर्मा रही थी, वो देखो तुम्हें ही देख रही थी। क्या है भाई यश, मतलब तुम हो ही इतने क्यूट तो लोग देख रहे हैं, पसंद आता सबको। वाह सही है। तो मिठाई दो, मिठाई दो, मिठाई दो, मिठाई दो, मिठाई दो, मिठाई दो, आपके मुंह में घी शक्कर, मिठाई दो भर भर के। दीदी की सरकारी नौकरी लग गई है दोस्तों। अरे ना नहीं अभी नहीं, सरकारी नौकरी लग गई है। नाम आ गया मोबाइल को, लिस्ट में नाम आ गया भाई। और क्या चीज बताओ, इनकी सरकारी नौकरी लग गई जवान लड़कों की, आपकी लग गई बताओ। तुम दीदी की लग गई है, गोल्डन दीदी की लग गई है सरकारी नौकरी। अभी गोल्डन गोल्डन बरसेगा, अभी गोल्ड ही बरसेगा, डायमंड भी बरसेगा, डायमंड भी बरसेगा, देख गोल्डन ली डायमंड भी बरसेगा। ये बात होती है ना, मेरे को खुशी भी है लेकिन मेरे को एक दुख भी है। दुख तो आप समझ गए होगे, समझ गई। क्या दुख? बताओ क्या दुख है? काम रह जाएगा, मैं चली जाऊंगी, काम रह जाएगा, और कौन आएगा इनके जैसा? भाई साहब डेढ़ साल से ज्यादा हो गया दीदी को, अभी अभी बेचारी का पहले झंडोरा पीट दिया कल। नहीं नहीं वो नहीं, अल्टी को ही बताया, मैंने किसी को बताया ही लिए, कल आया लिस्ट में नाम, परसों। हम भी सिर्फ आपको बता रहे हैं और किसी को नहीं बता रहे, ठीक है? ओके सीक्रेट क्या है? एक तो नौकरी लगी है मैडम की, मुबारकबाद दो। निशा की मिठाई खिलाएंगी वो, तब मिलेगी मुबारक हो। और दूसरा मेरी फ्रेंड जो काजल है उसके छोटी बहन के साथ रिश्ता करवाने जा रहे हैं। आंटी जी, आंटी जी हम यश का रिश्ता करवाने जा रहे हैं, तो अगर आपको लड़की पसंद आए तो जरूर बताइए। अगर आपको बहू पसंद आए तो नीचे कमेंट में लाइक जरूर दो, कमेंट कर दो, हम जाके रोका कर देंगे। हाँ एक को जा रहे आएंगे दो को। हाँ वाह, लेके तो एक को जा रहे आएंगे दो, आ जाओ। चलो शरमाना नहीं, दुल्हे राजा ये गुजरात से आया अकेला है, भेजेंगे हम लोग, खाली हाथ नहीं भेजेंगे आंटी, साथ में कुछ कुछ भेजेंगे। तो आज के व्लॉग में एंड में आपको दिखेगी यश की, यश की होने वाली, तो आप जरूर एंड तक बने रहिए। तो यश को लड़की पसंद आई या नहीं आई, आगे उसका रोका होगा या नहीं हो, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका अगला व्लॉग। तो अगर अभी तक आपने मेरा नैनीताल वाला टूर नहीं देखा है तो जाइए हमारे प्रीवियस व्लॉग देखिए। नैनीताल के पास नवकुचिया ताल है, लोग जानते नहीं इसलिए नैनीताल बोल रहा हूँ।
तो उसके पास वाला ब्लॉग नहीं देखा है, वहाँ का ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देखिए इससे पहले वाला ब्लॉग, और अगला ब्लॉग के लिए इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट में बरसा दो बहुत सारा प्यार। शुक्रिया, टाटा बाय बाय, बच्चों।